लगातार दो दिन कोरोना के मामलों में कमी के बाद आज कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,946 नए मामले सामने आए, वहीं 198 मरीजों की कोरोना वायरस की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई। कल यानी बुधवार को कोरोना के 15,968 मामले सामने आए थे और 202 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 16,946 नए मामले को दर्ज किया गया। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,93 हो गई। इसके अलावा कोरोना से पिछले 24 घंटे में 198 लोगों की जान गई, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 1,51,727 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 17,652 मरीज इलाज से मुक्त होकर अपने घर वापस लौटे और देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,01,46,763 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात की जाए तो देश में अब कुल सक्रिय मामले 2,13,603 हैं। बता दें कि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। बता दें कि पिछले 18 दिनों से देश में 300 से कम दैनिक मौतें दर्ज हो रही है। देश में रिकवरी दर 96.43% है और मृत्यु दर 1.44%। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।